हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल गोगोत्रा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 128 कोर्सेज के बारे में जो कि टाटा द्वारा फ्री में करवाए जा रहे हैं। अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं तो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जब भी आप अपनी जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप इन सर्टिफिकेट्स को भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी आपको किसी भी फील्ड में जॉब लेने में काफी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन फ्री कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे किस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम आ चुके हैं learning.tcsoinhub.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपके सामने इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा का लोगो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में TCSIN का भी लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, टोटल 128 कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू फ्री में करवाए जा रहे हैं। और जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने रिज्यूम के साथ इन सर्टिफिकेट्स को अटैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज को देखने के लिए यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको ब्राउज मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो नीचे आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके टोटल 128 कोर्सेज को देख सकते हैं। और आप जिस भी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे एनरोल करके उसे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ ही कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि सभी कोर्सेज को डिटेल में बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कोर्सेज को बताने वाला हूं जो कि मेरे आइडिया से काफी अच्छे हैं और इन कोर्सेज को आपको जरूर से कर लेना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको वो कोर्सेज दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को एनरोल करने का सेम प्रोसेस है जो मैं आपको यहां पे कोर्स बताने वाला हूं। उनमें से जो फर्स्ट कोर्स है वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं कि इस कोर्सेज को यहां पे फ्री में करवाया जा रहा है और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 10 वीक्स और यहां पे आपको 4 आवर्स पर वीक देने पड़ेंगे और आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आपको इंटरनेट के बारे में TCP/IP एड्रेसिंग एंड राउटिंग और भी आपको इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप इस कोर्स को नीचे करते हैं तो आप यहाँ पे इसका सिलेबस भी देख सकते हैं इस कोर्स का, उसके बाद आपको इस कोर्स से क्या बेनिफिट मिलेंगे वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे TCSOIN का लोगो रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सेकंड जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और ये कोर्स भी यहाँ पे आपको फ्री में करवाया जा रहा है। इस कोर्स को करने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन NPTEL गवर्नमेंट की वेबसाइट के द्वारा ये फ्री में करवाया जा रहा है। तो आपको इस कोर्स को जरूर से कर लेना चाहिए। आप इस कोर्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपके लिए क्यों बेनिफिट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इस कोर्स का सिलेबस भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एजेंट्स की सर्च टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा और भी बहुत सारे आपको मेथड्स बताए जाएंगे। तो आपको इस कोर्स को कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, इस तरह का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑइन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का लोगो रहेगा और ये सर्टिफाइड होगा। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे यहाँ पे कोर्स है वो है ICT Academy GST इन 90 मिनट्स। तो आप इस कोर्स को 90 मिनट्स में कर सकते हैं। ये 1 वीक का कोर्स है और यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स मतलब कि 1.5 घंटा यहाँ पे आपको देना है और आप इस कोर्स को फ्री में कर पाएंगे। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, GST में जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा उस पे फ्रेंड्स आपको बहुत सारे लोगो देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि ICT अकेडमी का लोगो, GST का लोगो, नेशनल टैक्स मार्केट का लोगो, ऑइन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का लोगो, यहाँ पे आपको स्काई कैंपस का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है फ्रेंड्स, आपको जरूर से इसे फ्री में कर लेना चाहिए।
तो यहाँ पे हम इस कोर्स को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं सी लैंग्वेज में, तो ये कोर्स भी NPTEL गवर्नमेंट की वेबसाइट के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसे आप फ्री में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, उसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, फंक्शंस, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो आपको इस कोर्स को कर लेना चाहिए। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा जिस पे TCS OIN का लोगो होगा, तो इस कोर्स को भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं और जो नेक्स्ट कोर्स है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस कोर्स को भी फ्री में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कोर्स है, यहाँ पे आपको फ्री में दिया जा रहा है, जो कि NPTEL गवर्नमेंट की वेबसाइट के द्वारा करवाया जा रहा है। इसकी ड्यूरेशन है 8 वीक्स और यहाँ पे आपको 4 आवर्स पर वीक टाइम देना है। और ये जो जितने भी आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में करवाए जाएंगे। इस कोर्स में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में करवाया जाएगा और भी आप बहुत कुछ इस कोर्स में सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं, इस कोर्स का आप सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हैं, जिसे कि आप अपने जॉब प्रोफाइल में रिज्यूम के साथ अटैच कर सकते हैं। और जब भी आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इस सर्टिफिकेट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आप फ्री में कर सकते हैं। अब इन कोर्सेज को कैसे एनरोल करना है, होम पेज पे आने के बाद आपको इस वेबसाइट पे सबसे पहले साइन अप करना होगा। उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे लर्नर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लर्नर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं, ट्विटर से साइन अप कर सकते हैं, गूगल से साइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे TCS OIN डिजिटल लर्निंग हब में रजिस्टर करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। हम यहाँ पे अपना अकाउंट गूगल से बनाएंगे, अपनी जीमेल आईडी से बनाएंगे, तो हम यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे नाम भी आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, अपना यहां पे इमेज लगा सकते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, अपनी कंट्री यहां पे सिटी यहां पे एंटर कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं इस वेबसाइट में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पे डिजिटल लर्निंग हब का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट का होम पेज आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहां पे नीचे आना है और यहां पे आपको ब्राउज मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं आपको बताने के लिए कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस कोर्स को सब्सक्राइब कर देते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके डैशबोर्ड में ये कोर्स आ जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में कैसे जाना है, आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा आपके माई प्रोडक्ट्स में। आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कोर्सेज बैचेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको लॉन्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो लॉन्च होने के बाद आपके सामने इस तरह से इस कोर्स का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे इस कोर्स का ओवरव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस कोर्स की इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो फॉर्म में दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेसन्स दिए गए हैं और यहाँ पे कंक्लूजन दिए गए हैं। इस तरह से आप अपना कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं और इसे कम्प्लीट करने के बाद आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप इस सर्टिफिकेट को अपने जॉब प्रोफाइल रिज्यूम के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पे आप फ्री में कोर्सेज को कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस वेबसाइट पे एनरोल करना है और कैसे आप इन कोर्सेज को फ्री में कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड।